तो दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग उसका मूल ज्ञात करते हैं, और उससे पहले ये जानेंगे कि आखिर में द्विघात समीकरण का किसका मूल ज्ञात करना संभव है पूर्ण वर्ग विधि से। तो वो जो है वो उसका चेक करने का बोला जाता है, यानी जिस समीकरण का अस्तित्व होता है उसका जो है से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ये किसी भी द्विघात समीकरण जो है से उसका अस्तित्व होता है या नहीं। तो पहचानने के लिए ये जो है एक विविक्तर, क्या विविक्तर, ठीक है विविक्तर, ये जो है इसको डी से सूचित किया जाता है। इसे क्या सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो है से अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है से यानी डी इक्वल टू जो है यानी ये इतना बराबर जो है से क्या होगा, यदि इसका मान जो है से क्या होगा यानी जीरो से बड़ा या फिर बराबर होगा तो किसी भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। क्या होगा, अस्तित्व होगा किसी भी द्विघात समीकरण का, कब, जब विविक्तर बराबर जो है से आएगा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। तो और अगर ये होगा तो इसको हम लोग को जैसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को सोल्यूशन कर सकते हैं, उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हेल्प आइडिया स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ के NCERT मैथ से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन के साथ साथ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा। तो यहां पे जो है से कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, क्या यदि ये जो है द्विघात जो दिया गया है नीचे यहाँ पे चार दिया हुआ है ना, चार ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसका अगर अस्तित्व है तो क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है, इसको ज्ञात करना है मूल को, ठीक है। यानी ये इसका अगर अस्तित्व होगा, अगर ये द्विघात समीकरण का अस्तित्व है अगर होगा तो क्या करना है, यहाँ पे इसका मूल ज्ञात करना है कौन विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है से चेक करेंगे अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इसका विविक्तर यानी डी जो है से निकाला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जो है यहाँ पे इसका अस्तित्व जो है से कैसे पता चलेगा, अगर ये समीकरण का यहाँ पे विविक्तर का मतलब डी, विविक्तर क्या चीज है, डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। यानी कैपिटल डी जो है से क्या है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना अगर जो है से क्या होगा यहाँ पे, अगर डी का मान जो है से जीरो से छोटा होगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, और अगर ये जो है से डी का मान जीरो से ज्यादा या फिर जीरो अगर होगा तो इसका अस्तित्व होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर समझिएगा, अगर जो है इसका विविक्तर, ये द्विघात समीकरण का विविक्तर जो है यानी डी जो है से क्या होगा यहाँ पे जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा तो ही अस्तित्व होगा, अगर नहीं होगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका अस्तित्व है या नहीं है वो हम लोग इसका ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका ज्ञात कीजिए अस्तित्व है या नहीं, उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या, बी स्क्वायर, और आपको पता होगा कि बी स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स का गुणांक, ठीक है। बी का मतलब क्या, एक्स का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे d बराबर निकाल लेते हैं, x का गुणांक जो है कितना हो गया -7। अब -7 का स्क्वायर कर दिए -4ac, 4 जो है से तो फॉर्मूला से लिख लिए, और a जो है से क्या है x स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ पे 2, कितना 2 हो गया। अब इंटू c का मतलब कितना, यहाँ पे जो दिया हुआ है 3, जो अचर राशि होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया 49 माइनस यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 4 × 2 = 8, 8 + 24, इसको घटा करके आया 25। तो क्या हो गया यहाँ पे डी जो है, डी का मान क्या आया, जीरो से बड़ा, तो जीरो से जब बड़ा आया तो क्या है, इसका अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको जो है से
इसका मूल्य निकाल देंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो आप बने रहें हमारे साथ, है ना। अब इसको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। ये एक समीकरण है, ठीक है। अब ये समीकरण है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है से अब तो चेक कर लिया अस्तित्व है या नहीं, अब अस्तित्व है भी तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले, ठीक है, ये जो है पूर्ण वर्ग विधि, इसका मतलब ये जो है से या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आएगा या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ अगर माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर इसमें यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो है पूर्ण वर्ग विधि, ये जो है इस पे लाना है, इस पे, इस पे लाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी देखना होगा, ठीक है, ए स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 को कितना का, 2 जो है से कितना का स्क्वायर होगा, तो रूट 2 का होगा। तो रूट में जो है से लेने में बहुत सा कठिनाई हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग देते हैं। या फिर अगर यहाँ पे रहता 4, कितना रहता, अगर यहाँ पे 4 रहता तो 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या 2 है तो ये रूट में आ जाएगा। तो क्या बहुत ही हम लोग को मतलब दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं पूरा में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आया 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, यानी क्या आया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है से आया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -7/2x + 3/2 = 0। ये जो है से क्या हो गया, इसका 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया। आप ध्यान दीजिएगा कि लाना है क्या ये फॉर्मूला पे ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हो गया है, ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। अब माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस वाले पर चलेंगे, किस पे, माइनस वाले पे। तो माइनस 2ab 2 और a, एक जगह पे कितना लिखे एक्स, ठीक है एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अपना मन से नहीं लिख रहा है, इसी को तोड़ करके लिखना है, किसको, ये जो है ना बीच में, इसी को तोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पे जो है से 2 इसमें से ले लिए, तो इसमें से 2 ले लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे नीचे कितना हो गया 4। अब कैसे हुआ वो देखिए, यहाँ पे 7/2x है, इसमें से x तो ले लिए, ठीक है, एक तो x इसमें ले लिए यहाँ पे। अब ये 2 तो था नहीं इसमें से, तो 2 कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर में 2 तो था नहीं, तो आया कहाँ से, तो इसको मैं अपना मन से 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये 2 जो है से बाहर ले लिए, तो नीचे 2 बचा ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के यहाँ लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि 7y जो है से कितना हुआ 4 बचा, कितना 7y 4, ठीक है 7/4। तो ये जो है से b निकल गया, क्या हो गया ये b निकल गया। तो b अभी निकल गया, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब b के जगह पे कितना 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर। अब ये लिखे हैं अपना मन से, ये हम लोग क्या क्या है, ये अपना मन से लिखे हैं, तो अपना मन से लिखे हैं तो इसको अपना मन से एक इसी को सब्ट्रैक्ट भी करना, सेम टू सेम इसी का से ही लिख करके घटा दिया जाएगा इसमें से, ठीक है। और बाकी बचा हुआ यहाँ पे प्लस में 3/2, ठीक है = 0। तो ये लिख लिए। अब यहाँ से यहाँ तक ले करके किस फॉर्मूला पर जनरेट हो गया, तो ये जो है से a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। तो इसको जो है से a, a का मतलब क्या x, और माइनस बी, बी का जगह पे क्या हो गया 7/4, बी के जगह पे 7/4, ठीक है इसका स्क्वायर, यानी ये हो गया एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब बाकी यहाँ पे बचा क्या, तो बचा हुआ ये दोनों ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का, यहाँ 3/2 ये बचा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, बराबर के वो साइड लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे इधर प्लस में, तो ये साइड क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस में तो वो साइड प्लस में, और ये प्लस में तो वो साइड माइनस में। तो इसको 7/4 को उधर लेकर के चले जाते हैं, ठीक है, तो प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में ये, तो इधर
माइनस में 3/2, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग जैसे हल करते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो गया यहाँ पे, ये एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर क्या हो गया यहाँ पे, ये दोनों को ये जो है स्क्वायर में ना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, एक्स माइनस 7/4 ठीक है इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एलसीएम लिए तो 16, अब ये 16 सेम से मिल गया तो 49 माइनस 8 वाले में तो 24, ठीक है। अब क्या हो गया एक्स माइनस 7/4, अब ध्यान दीजिएगा इधर जो है ऐसे क्या है स्क्वायर में है, ये स्क्वायर है ना, तो ये जो स्क्वायर है से ये साइड बराबर के अगर वो साइड लेकर के जाएंगे तो क्या में रूट में चला जाएगा, कैच में रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसको घटा दीजिए तो आएगा 25/16। अब ये स्क्वायर तो इधर रूट अंडर, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक्स माइनस 7/4 इक्वल टू 5/16। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के कितने हल, दो हल होते हैं, तो ये जो है रूट से जब बाहर निकलता है तो क्या में प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। तो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी एक्स माइनस 7/4 ठीक है इक्वल टू एक बार प्लस में ले रहे हैं 5/16 और एक बार इसको क्या करते हैं माइनस में लेते हैं, यानी एक्स माइनस यहाँ पे एक्स माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4 यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, ठीक है 5/4। अब देखिए ये जो है इससे क्या हो गया, ये एक्स और ये माइनस में इधर प्लस में 4 आया, अब 4 आया तो कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, तो ये जो है से आ गया 7/4 प्लस में और ये भी प्लस में मौजूद था है ना 5/4। अब क्या हो गया यहाँ पे, एलसीएम लीजिए और जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब नीचे दोनों सेम हो तो ऊपर के भी क्या करते हैं दोनों को, अगर जोड़ना तो जोड़ देंगे और घटाना तो घटा देंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ठीक है, कि जब नीचे दोनों सेम हो तो क्या करेंगे ऊपर वाला भी सेम लिख करके ऐड करते हैं, नीचे जो सेम है उसको ले देते हैं, तो कितना हो गया 7/5 12/4 हो गया, ठीक है। यानी इसको काट दिया जाए तो कितना आया 3, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3 एक आ गया, एक्स बराबर कितना 3। अब नेक्स्ट में इधर जो है से देख लेते हैं इधर भी, तो ये जो है क्या हो गया एक्स और ये माइनस में, तो ये साइड प्लस में, क्या चीज में प्लस में 7/4 माइनस 5/4 ठीक है। अब इसको सेम हो गया ना, तो इसको 7 में से 5 को लेस कर दिया तो क्या आएगा 2 आएगा, क्या 2/4 है तो 4, और यहाँ पे क्या आ गया कट के 1/2, यानी x का मान कितना आया, x का मान जो है से आया 1/2 और कितना 3, कितना 3 और 1/2। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करेंगे, कहता है 2x² + x - 4 = 0, ये इसका क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले आप विविक्तर निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसका जो है से क्या अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। तो विविक्तर जो है से निकाल लेते हैं, d इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ठीक है, b² - 4ac - 4, a का मान यहाँ पे 2 है, ठीक है, और c का मान जो है कितना हो गया -4, c का मान -4 हो गया। तो यहाँ पे अब इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32 इक्वल टू क्या हो गया 33। देखिए ये है से क्या 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है से अस्तित्व होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका निकालते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल, ठीक है। तो क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालने के लिए इसको सबसे पहले देखा जाता है x² का गुणांक को, तो यहाँ पे क्या है 2 है, कितना है
टू है, तो टू को क्या करेंगे, यहाँ पे बताया कि टू जब रहता है तो यहाँ पे दो से सम में दो है तो दो ही से पूरा में भागा दे देंगे। अगर यही रहता है यहाँ पे चार, चार का वर्गमूल पूरा पूरा होता है ना, तो यहाँ पे इसको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दो है तो दो का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, इसलिए दो से सब में भाग दे देंगे। तो भागा दे दीजिए दो से, तो दो से देंगे अगर इसमें दे दिए, इसमें दे दिए, इसमें दे दिए और इधर दे दिए, तो क्या हो गया यहाँ पे दो से दो कट के, तो क्या हो गया यहाँ पे एक सौ स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पे एक्स बाई टू, और यहाँ पे क्या हो गया फोर बाई टू है, तो इसको कटेगा तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा बराबर। और यहाँ पे जीरो में दो से भागा देगा तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यानी जीरो हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आएगा ना, क्या आएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस क्या होता है टू ए बी, क्या टू ए बी, और टू ए बी का मतलब टू लिख लिए और ए, ए के जगह पर कितना हो गया एक्स। अब हमको लाना है इसमें से बी, यानी जो बचा खुचा रहता है वो क्या हो जाता है बी होता है, तो यहाँ पे एक्स वाई टू में से, एक्स वाई टू में से टू तो पहले ही बाहर ले लिया है एक, तो एक जब बाहर ले लिए तो इसमें क्या हो गया ऊपर से गया तो एक इसमें वन बाई टू बच गया है ना, यानी यहाँ पे अपना मन से टू बाई टू कर दिए थे और टू बाई टू कर करके और ये जो टू है से बाहर ले लिया तो क्या हो गया यहाँ पे वन बाई टू बच गया, तो टू टू फोर हो गया था। ठीक है, और एक भी बाहर चला गया तो क्या बचा यहाँ पे वन बाई फोर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका तो हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो अब क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, क्या प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस हो गया बी, बी का मान कितना यहाँ पे आया है तो वन बाय फोर, वन बाई फोर का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब ये जो है से अपना मन से लिखे हैं, क्या किए हैं ये वन बाई फोर जो है से अपना मन से लिखे हैं, तो इसलिए ये प्लस में लिखे तो एक माइनस में ले लेते हैं, यानी किसी को मान लिया दो रुपया देंगे और फिर दो रुपया ले लेंगे तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो यही इसका मतलब ही वही हुआ। ठीक है, कि इसमें जो है से वन बाई फोर अपना मन से लिखे हैं इसका स्क्वायर, तो क्या करते हैं इसी को फिर घटा देते हैं, क्या करते हैं इसी को फिर से घटा देते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे बचा क्या है माइनस टू, तो माइनस टू लिख दिए बराबर में जीरो। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और ए के जगह पे है एक्स और प्लस बी के जगह पे वन बाई फोर, वन बाई फोर इसका होल स्क्वायर। अब जो है सो जो बचा हुआ है बराबर के वो साइड लेकर के चले जाएंगे, तो ये माइनस में तो वो साइड क्या जाएगा प्लस में वन बाई फोर का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस में तो वो साइड प्लस में दो हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर बराबर वन बाई फोर का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है वन बाई सिक्सटीन, वन का स्क्वायर वन और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस टू, तो अब क्या हो गया एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं यानी वन है। ठीक है, अब एलसीएम लिए तो 16 आया, अब 16 से एक में यहाँ पे 16 से 16 में भाग गया तो एक बार लग गया, एक गुने एक के तो एक प्लस, इससे इसमें भागा देते हैं ये आपको पता होगा। ठीक है, तो कितना आया 16 16 तो ना 32 बराबर क्या आया 33 बटा 16, क्या आया 33 बटा 16। अब जो है यहाँ पे स्क्वायर में है ना, ये स्क्वायर में तो यहाँ पे क्या चीज में जाएगा रूट में, यहाँ पे स्क्वायर में तो ये बराबर के अगर वो साइड लाते हैं तो क्या में आता है रूट अंडर हो जाता है, क्या हो जाता है रूट अंडर, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाय फोर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 बाय 16 का रूट अंडर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। ठीक है, तो देखते जाइए यहाँ पे जो है x और ये क्या करेंगे यहाँ पे रूट जो है से यहाँ पे 33 तो पूरा पूरा निकलेगा नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए, 16 जो है इसका निकलेगा 4, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रूट से जब रूट वाले लेते हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आता है। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस और माइनस, और ये तो 33 निकला नहीं तो उसको रहने दिए, और 16 का
चार आ गया, ठीक है। तो ये जो है से आया है अभी इतना, ठीक है। अब क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, क्या करते हैं x का हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे, तो एक बार जो है से क्या करते हैं प्लस में लेते हैं, एक बार क्या करते हैं प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं, क्या करते हैं एक बार माइनस में लेंगे, माइनस 33 बार कितना 4, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लिए, अब निकाल लीजिए एक्स का मान। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये इधर प्लस में थे वो साइड माइनस में, यानी रूट 33/4 और माइनस 1/4। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे एलसीएम लिए 4 33 माइनस 1, ठीक है। तो एक जो है सी ए आ गया, क्योंकि अब इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए इधर, इसको मैं तो माइनस में लिए हुए हैं, है ना, यानी एक्स इक्वल टू क्या है इधर प्लस में तो वो साइड माइनस में, क्या सी में माइनस में आ गया, माइनस में 1/4। अब इसको बना दीजिए, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आया 4, और यहाँ पे जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर भी सेम होता है, पता होगा, ठीक है। 33 माइनस 1 यानी आया फाइनली इसका कि -1, ठीक है, ब्रैकेट में अगर माना तो ले लीजिए, क्या हो गया रूट अंडर 33 प्लस 1, ठीक है, और बाय क्या हो गया यहाँ पे 4। तो इसका जो है से दो शून्य का आया, क्या आया एक जो है से आया रूट अंडर 33 माइनस 1/4, और एक आया माइनस यहाँ पे -1 × 33 + 1/4, इसका दो शून्य आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड को देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी इसी तरह से विभक्तर निकाल करके और चेक कर लेंगे, ठीक है, किसका अस्तित्व है या नहीं। तो क्या हो गया, d बराबर जो है से होता है क्या b² - 4ac, तो b के जगह पर कितना हो गया यहाँ पे 4√3² ठीक है, b² - 4 और a का मान क्या है यहाँ पे 3, और c का मान कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4×16, और यहाँ √3 × √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 4×3 = 12, और 12 × 3 तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पे 48 - 36 तो कितना आया 12 आ गया, कितना आया 12, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, तो इसका अस्तित्व होगा। तो अब क्या करेंगे इसका हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से निकालेंगे इसका मूल। तो मूल निकालने के लिए अभी बता रहे थे कि अगर एक स्क्वायर का यहाँ पे जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए, अगर इसका पूर्ण वर्ग हो जाता है यानी ये जो है से पूरा पूरा अगर इसका स्क्वायर रूट हो जाता है यानी इसका जो है से वर्गमूल निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो क्या करते हैं भागा दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 का निकल जाएगा, इसको रहने देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे 2x² अगर करते हैं तो हो जाएगा ना इसका इतना लिख सकते हैं, यानी 4 का जो है इसे क्या कर दिए यहाँ पे होल स्क्वायर, यानी 4 का भी जो है इसमें से भी क्या कर दिए यहाँ 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वही कर दिए 4 का 2 का स्क्वायर और x का यह स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर हो गया प्लस, अब क्या होता है 2ab, तो 2a का जगह पे कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब बचा b, अब b इसमें से जो है कितना बचेगा वो देख लीजिए, तो 4√3x है ना, तो ये जो है से 4 तो बाहर आ गया, आ गया ना, देखिए तो यहाँ पे 2x और ये 2, तो 2 जो है से 4 तो बाहर इसमें से चला गया और x भी चला हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या √3, क्या बचा यहाँ पे √3, तो यहाँ पे b कितना हो गया √3, ठीक है। अब जो है से क्या हो गया यहाँ पे ये जो है से b बन गया, तो क्या हो गया a² + 2ab + b², b के जगह पे √3² ये अपना मन से लिखे, इसीलिए क्या करेंगे एक और अपना मन से इसमें लिखेंगे, इसी को माइनस में करके √3² अब यहाँ पे क्या एक +3 है तो हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या गया a + b के होल स्क्वायर पे, तो इसको लिख सकते हैं 2x + √3 का
होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा इसको, तो अगर यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, थ्री और यहाँ पे प्लस में थ्री, ये माइनस में, तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसको डायरेक्ट जीरो रहने दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अब स्क्वायर, तो इधर क्या चीज में, रूट में, है ना, यानी क्या हो गया, रूट में टू एक्स प्लस रूट थ्री बराबर, ये इधर रूट में यानी जीरो, है ना, क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे आप जो है से एक बार प्लस में एक बार माइनस मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस और माइनस मिलेंगे, तो जीरो के प्लस में लीजिए या माइनस में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको लिख देंगे यही, है ना, टू एक्स बराबर जो है क्या हो गया, ये प्लस में तो इधर, माइनस में रूट थ्री, और यहाँ पे जो है से क्या हो गया, एक्स जो है से ये दो जो है इधर गुना में, तो ये साइड भागा में, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस रूट थ्री बाय टू, ठीक है। तो इसका जो है दो मूल्य अगर लिखेंगे तो इसी को दो मिल, यानी ये जो है से इसका दोनों मूल्य सेम सेम हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो जो है से एक बार प्लस में लीजिए या एक बार माइनस में, तो दोनों का मतलब सेम हुआ ना, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि इसका जो है से मूल्य इतना और कितना गया, माइनस रूट थ्री बाय टू, दोनों मूल क्या आ जाएंगे इसका, सेम ही होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका फोर का देखते हैं कि किस प्रकार से उसका भी हल होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्यूशन करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, पहले डी निकाल करके चेक करेंगे, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी बी के जगह पर क्या होगा, यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान जैसे क्या है टू है, तो टू लिख दिए, और सी सी कितना है, प्लस में फोर है, ठीक है। अब जो है से ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जो है वन का स्क्वायर क्या होता है वन, और माइनस चार चौके सोलह, सोलह दोना बत्तीस, ठीक है, इसका कितना आया इकतीस, यानी माइनस में इकतीस आ गया। तो क्या है, ये जो है इसका विविक्तर जो है से क्या है, जीरो से छोटा गया, तो जब जीरो से छोटा है तो इसका क्या हो गया, अस्तित्व नहीं है, तो इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसका गुणनखंड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी विधि हो उसका से आप इसका जो है से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।